जुड़ रहा है अभिरा और अरमान का किस्मत कनेक्शन। नई बहू अभिरा के लिए दादी सा की नाराजगी। घर वालों को समझाने की अरमान की कोशिश। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा के लिए इस नए घर में एडजस्ट होना काफी मुश्किल हो रहा है। उसके लिए सब कुछ नया है, अनजान लोग हैं, इसीलिए तो देखिए वो किचन में ही सो गई। और जब सुबह हुई तो उसे लगा कि उसकी मम्मी पहुंच गई है उसे उठाने के लिए। अरमान को अपनी माँ समझकर उसने अरमान का हाथ पकड़ लिया और करने लगी बातें। लेकिन जब अरमान ने उसे जगाया तो अभिरा चौंक गई। कहीं ना कहीं अभिरा और अरमान का किस्मत कनेक्शन जुड़ रहा है। दोनों में प्यार तो नहीं है लेकिन रिश्ता जुड़ता नजर आ रहा है क्योंकि अरमान अभिरा की केयर करता है। यहाँ बैठे बैठे सो गई हूँ और अब सुबह हो गई है, वो भी यहाँ सोए हैं जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। वो मुझे नोटिस करते हैं तो उठाते हैं कि कोई देख ना ले, और इतने टाइम से इस तरह से लेटी हुई हूँ इस वजह से मेरा पैर सुन्न पड़ गया है और मैं उठ के लड़खड़ाने लगती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दादी सा की नाराजगी अभिरा के लिए बढ़ती ही जा रही है। तभी तो देखिए सभी घर वालों के सामने उसने ये ऐलान कर दिया कि मुंह दिखाई की रस्म सिर्फ रूही की होगी क्योंकि अभिरा को वो अपनी बहू नहीं मानती है। मुंह दिखाई बहू की होती है बेटियां, वो लड़की इस घर की बहू नहीं है। तो बच्चे सड़क से कुछ चीज उठाते हैं ना तो उन्हें डांट पड़ती है, और अरमान तो सड़क से एक बहू उठा के लाया जो घटिया बदतमीज और बेहूदी है, और तुम उसकी मुंह दिखाई करना चाहती हो। हम भेजेंगे उसे, उस लड़की को हम इतना दूर भेजेंगे कि उसकी सोच भी इस घर तक नहीं पहुंचेगी। तुम दोनों उसे यहां लेके आए थे ना? हाँ, वो लड़की इस घर का हिस्सा नहीं है और नहीं बनेगी। इस घर में मुंह दिखाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सिर्फ रूही की। तो अभिरा जो है दादी सा को इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि वो मुँह फट है, और दादी सा को ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो उनको जवाब दे। एंड अभिरा बेसिकली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, रूही जैसी नहीं है, चुपचाप शांत काम जो जी हजूर, नो, शी इज़ अ गर्ल हु रिटेलिएट्स, और वो दादी सा से बर्दाश्त नहीं होता। और वो नज़ारा दादी सा अभिरा का देख चुकी हैं, इसलिए जब वो अरमान को देखती हैं अभिरा के साथ तो तिलमिला उठती है कि ये लड़की जिसने हमारे सामने और हमारे साथ बदतमीजी की थी, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। सो दैट इज़ वाई दादी सा डजंट लाइक अभिरा। ये तमाशे के बाद अरमान पहुँच गया है अपनी दादी सा के पास माफ़ी मांगने के लिए और उनसे ये कहने के लिए कि वो अभिरा को बहू के रूप में स्वीकार ले और इस घर में रहने दे। लेकिन लगता नहीं कि दादी सा अरमान की बात मानने वाली है, उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर है। दादी सा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, मैंने आपका दिल दुखा है। मैं ये भी जानता हूं दादी सा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो पैसे लेके डरा धमका के अभिरा को इस घर से निकालने की कोशिश जरूर करता। जाने के लिए
आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। मैं आज मांग रहा हूं, प्लीज दादी सा, अभीरा को इस घर में रहने दीजिए। उसका दर्द बहुत बड़ा है दादी सा, उस दर्द से उभरने के लिए उसे हमारे परिवार की जरूरत है। प्लीज दादी सा, दादी सा इज वेरी जिद्दी, क्योंकि अरमान ने उनके खिलाफ जाके शादी किया बिना पूछे उनसे। दादी सा को समझ आता है, बट शी डजंट बिलीव अभीरा। वो बोलती है कि शी इज अ गोल्ड डिगर, हमारे पास पैसा है, रुतबा, ये देख के उस लड़की ने शादी की, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट शी गॉट मैरिड इन मजबूरी, बट दादी सा डजंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने अपना मेकअप कर लिया है माइंड कि वो अरमान को माफ़ नहीं करेंगे और अभीरा इस घर की बहू नहीं बन सकती। भाई जहां दादी सा अभीरा को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उनके ही नक्शे कदमों पर चल रहे हैं घर के बच्चे। वो अरमान भैया की वाइफ है, उन्हें भाभी तो बुलाना पड़ेगा ना। वो कोई भाभी भाभी नहीं है, बस एक स्ट्रेंजर है। वो सुपर सुपर रूड यार। और नानी सानी भी तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है ना, तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहां पर पहुंचता है रोहित, जो उनको फटकार लगाता है। रिश्योर किया, तुम दोनों जितने डम हो ना, उतने स्टूपिड भी, रूड भी। दादी सा नंबर टू और दादी सा नंबर थ्री बनने से पहले आर्यन को देखो, सीखो उससे कुछ। इस घड़े से हम क्या ही सीखें? रिश्तों की वैल्यू करना सीखो। तुम लोग मानो या ना मानो, वो हमारी भाभी है। ये एक्चुअली अभीरा भाभी की बात हो रही है। तो मैं और भाभी जा रहे थे कुछ, मैं उनके लिए हॉट चॉकलेट बनाना चाहता था, और जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अभीरा भाभी पसंद नहीं है और हम उसे भाभी नहीं बुलाएंगे, वो बहुत रूड है, तो ये सुन के भाभी को बहुत बुरा लगा। और जैसे ही मैंने देखा कि भाभी को बुरा लगा, तो मैंने फिर बच्चों को थोड़ा डांटा कि आप कैसे बोल सकते हो, वो जो भी है हमारी भाभी है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। तो यही कॉन्वर्जेशन थी, और फिर मैं थोड़ा सा डांट के बच्चों को निकल गया। तो भाई अब कैसे घर वाले एक्सेप्ट करते हैं और कैसे अभीरा और अरमान का प्यार का रिश्ता जुड़ता है? मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो परोसते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।